क्वींस कॉलोनी के डी ब्लॉक में एक सीवर में 8 साल का बच्चा गिर गया। हालांकि समय रहते लोगों की मदद से बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया है। उसे ज्यादा चोट नहीं लगी है, इसलिए परिवार की तरफ से पुलिस को कोई शिकायत भी नहीं मिली है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक शुक्रवार को डिफेंस कॉलोनी पुलिस को एक PCR कॉल मिली थी। एक बच्चा सीवर में गिर गया है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस वाले पहुंचे, वहां पर कॉलर मिली। उन्होंने बताया कि वे अपने 8 साल के बेटे को लेकर स्कूल जा रही थी। जब वे D-140 के बाहर पहुंची, वहां पर सीवर प्लाई बोर्ड से ढका हुआ था। बेटे की नजर उस पर नहीं गई और वे प्लाई बोर्ड पर चढ़ गया। कमजोर होने के कारण बोर्ड टूट गया और बेटा सीवर में गिर गया। हालांकि समय रहते लोगों की मदद से बच्चे को बाहर निकाल लिया गया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में एक स्कूल के पास सीवर में गिरे बच्चे के पिता अजीत सिंह ने क्या कहा है, ये सुनिए। मैं देखता हूँ कि वहाँ पे एक प्लाई मतलब उसका गत्ते का बोर्ड है, वो फट गया और बच्चा गड्ढे के अंदर चला गया। मेरी वाइफ मेरे साथ में थी, एकदम से उन्होंने हाथ पकड़ लिया, मैं आया इधर से उतर के, तो लोगों ने मेरे बच्चों को फटाफट खींच के बाहर निकाला। तो मतलब खींचने में भी इतनी मशक्कत करनी पड़ी, गड्ढा गहरा था, तो हमें बिल्कुल लेट के रोड पे मैंने अपने बच्चे को निकाला। गड्ढे के ऊपर गत्ते का जो बोर्ड रखा हुआ था, लेकिन साथ में ही ढक्कन भी पड़ा हुआ था। वहीं पे ढक्कन कोई टूटा हुआ नहीं था या ढक्कन कोई क्रैक नहीं था। जब हमने वहां पे देखा कि गत्ता ढक्कन हटा हुआ है, गत्ते का बोर्ड है, हमें मेरे बच्चे को पता ही नहीं लगा कि वहां गटर है क्या है। लोगों ने बचाया, उसके बाद में अपने बच्चों को एम्स लेके गया। मेरा बच्चा कल 7-8 घंटे एम्स में रहा, इसकी सारी वहां पे जांचें हुई। अभी भी ये घबराया हुआ है, रात भी 2-3 बार ये डर डर के उठा, बोलने की कंडीशन में भी नहीं है बच्चा। ये हादसा हुआ, ये किसी और के साथ भी हो सकता था। मैं तो अपने बच्चों को लेके जाता हूँ, जब पेरेंट्स मैं इसके साथ गया, बहुत सारे बच्चे तो वहाँ अकेले भी आते हैं सर, ना किसी को पता लगता गड्ढा गहरा है। अगर कोई बच्चा गिर जाता, तो जो बच्चे अकेले स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं, अगर वो गिर जाते कौन देखता सर। मैं तो अपने बच्चे को साथ जाता था, इसलिए मुझे पता था कि जैसे मेरा बच्चा गिरा, मेरी वाइफ ने इसका हाथ पकड़ा, हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि जब बच्चा अंदर गड्ढे में गिर गया बह ना जाए। लोगों ने मदद करके बाहर निकाला। जब हमने वहां पे देखा कि वो स्कूल के सामने ही घर है D-140 शायद, तो उसके आगे वो गड्ढा यानी कि गटर है। गटर को किसी ने शायद साफ करवाने के लिए खोला था, किस वजह से खोला था नहीं पता, पर उसका ढक्कन अलग था और गटर के ऊपर गत्ता रखा हुआ था कवर करके। तो अगर किसी ने सफाई करवाई है, ये किसी ने सफाई करी है MCD वाले ने, तो कौन क्यों नहीं करा। MCD या NDMC की लड़ाई में मेरा बच्चा क्यों फंसे। दोनों पार्टियों की आपके उसके अंदर अगर आपने सफाई करी है, नहीं करी है, गड्ढा बंद है, गड्ढा क्यों नहीं ढका गया, मेरा बच्चा उसमें क्यों सफाई। जब फोन करा 100 नंबर पे, पुलिस आई, फायर ब्रिगेड भी वहां पे आई थी। पुलिस ने उससे पहले हमने बच्चे को मतलब लोगों ने जो लोकल लोग थे उन्होंने मेरी बहुत मदद करी, उन्होंने मेरे बच्चे को बाहर निकाला। फिर बाकी जो पुलिस की कार्रवाई उन्होंने अपनी करी, वो उसके बाद मेरे बच्चे को एम्स लेके गए। MLC वगैरह का प्रोसेस जो होता है उन्होंने करा। बाकी मेरा बच्चा एम्स में कल सारा दिन रहा, सारे इसके टेस्ट हुए। अभी भी इसके घुटने में, कमर में, कई जगह ऐसी जगह पे लगी हुई है, बच्चा थोड़ा सा सहमा हुआ है कल से। ढक्कन टूटा हुआ होता या होता ही नहीं तो समझ आता है, चल ठीक है ढक्कन वहीं पे पड़ा है सर, और गत्ते से वो कवर करा हुआ है, तो क्या है जानबूझ के कोई किसी की शरारत है, ये क्या घटना है, ये क्या है, तो सर कार्रवाई का मुद्दा है। लेकिन हाँ, इसमें जांच जरूर होनी चाहिए, आगे से इस तरह की घटना ना हो। हम तो अपने बच्चे के साथ थे, बहुत सारे पेरेंट्स साथ नहीं होते, बच्चे अकेले भी स्कूल में पढ़ने आते हैं, कोई बुजुर्ग महिला भी उसमें गिर सकती थी, कोई और भी गिर सकता था। अगर मेरे बच्चे का ही वजन गत्ता नहीं संभाल पाया, तो आप खुद समझो कि गत्ता कितना हल्का था सर। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।